हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ चैन स्टिच। जी हाँ, ये इसे भी आप अपने सूट में, टेबल क्लोथ में या फिर कहीं भी आप जहाँ भी चाहते हैं पिलो कवर, कुशन कवर में बना सकते हैं। तो इसकी मदद से आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए हम धागे लेंगे, इस तरह के आपको बाज़ार में अवेलेबल है धागे, आप ले लेंगे। हमें एक नीडल की ज़रूरत पड़ेगी और थ्रेड की। तो हम यहाँ से देखिए, धागे से मैं दो स्ट्रैंड निकालती हूँ और मैं सिंपल डिज़ाइन दिखाती हूँ ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। ये देखिए, जहाँ से हमने इसे निकाला था फिर हम वहीं पे सुई को डालेंगे और थोड़ी सी ऊपर सुई को निकालेंगे और इस धागे को ध्यान से देखिए, इस सुई के ऊपर से इस तरह लेकर आना है। देख रहे हैं, चैन की तरह बन गई है। और फिर इसी के अंदर में हम डालेंगे, आप देख सकते हैं इस ये जो चैन बनी है इसके अंदर में ही नीडल को डालना है। फिर थोड़े से ऊपर में हमें इसे निकालना है और फिर इसे सुई के ऊपर से इसे इस तरह से कर देना है और फिर इसे हमें धीरे धीरे खींच लेना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से आपकी चैन बनती चली जाएगी। ये देखिए, आप अच्छे से इस तरह से बना सकते हैं। आप इस स्टिच की मदद से भी काफी सारे डिजाइन बना सकते हैं। अब इसको हम बाहर की तरफ से, ध्यान रखिए अंदर ने, अब जब खत्म करेंगे तो हम बाहर की तरफ से पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर इसे हम पीछे की तरफ इसकी नोट लगा देंगे ऐसे करके, ताकि ये खुले ना। अब मैं रेड कलर की थ्रेड लूँगी। तो पहले एक मैंने सेंटर में डॉट डाल दिया है और साइड में भी मैंने 6 डॉट डाल दिया है ताकि आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ सितारे पड़े हुए हैं तो मैं एक सितारा ले लेती हूँ, उसको सेंटर में डाल देती हूँ और इसके ऊपर एक मोती लगा देती हूँ और इस मोती को हम फिर उसी जगह से सितारे से के बीच से होते हुए पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो सेंटर में देखिए, इस तरह से हम एक मोती लगा दिए जिससे कि इसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी हो जाएगी और फिर साइड साइड से डॉट दिख रहा है, यहाँ पे हमारा डॉट है। तो हम इस सितारे के ठीक जस्ट बगल से नीडल निकालेंगे और फिर यहाँ से चैन स्टिच इस डॉट तक में ले जा करके इस तरह से बनाएंगे। देखिए, फिर इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर भी एक हम सितारा लगा देंगे। लगा भी सकते हैं आप और बाहर की तरफ फिर हम इसको ऐसे करेंगे। फिर हम दूसरी चैन स्टिच यहाँ से इस डॉट की तरफ बनाएंगे। ये जो हमारी दूसरी वाली डॉट है यहाँ पर बनाएंगे। और इसमें भी हम एक सितारा लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम सितारा ऐसे लेकर पीछे की तरफ। देख रहे हैं कि मैंने उसके बीच बीच से भी मैं कुछ इसी तरह की चैन स्टिच बना रही हूँ जिससे कि हमारा फूल जो है और भी सुंदर दिखने लग जाए, थोड़े से बड़े दिखे। तो आप देखिए, इस तरह से आराम से कहीं भी सूट में सिर्फ फ्लावर के भी बूटियाँ बना सकते हैं। इन दो पेटल्स जो है उनके बीच बीच से हम निकाल करके थोड़े से बाहर की तरफ ले करके सिर्फ बस डॉट डाल देना है आपको और बनाना है। कुछ कठिन भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये बनाना, आप आसानी से बना सकते हैं। जब भी आप फ्री टाइम में बैठते हैं आप लेकर बैठ सकते हैं और बना सकते हैं, आसानी से आपकी बन जाएगी डिज़ाइन। अब हम इसे नीचे की तरफ में जाके इसके नोट बांध देंगे ताकि ये खुले ना और 3 इसके पेटल्स बना देंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि धागे जो है जब आप इसे बंद करते हैं तो बाहर की तरफ ही जाने चाहिए, अगर अंदर की तरफ करेंगे तो ये फिर आपका खुल सकता है, इसलिए हमेशा इसे बाहर की तरफ ही आपको बंद करना है।
कहीं भी आप छोटे छोटे बूटियां इस तरह से आप बना सकते हैं। आपके पास कोई डिजाइन नहीं, कोई जरूरत नहीं डिजाइन की, आप बस देखिए और इस तरह से डॉट डाल दीजिए आपको जहां भी जो भी डिजाइन बनाना, और फटाफट आप बनाते जाइए। आपकी अपनी क्रिएटिविटी अपनी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए हमारा डिजाइन बनके तैयार हो गया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन मंगलमय हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हेल्दी और फिट रहिए। धन्यवाद।